अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371187 7325052437। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, चीन ने सैन्य निर्णयों का अधिकार कैबिनेट से छीनकर किसे दे दिया है, ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी प्रधानमंत्री या डी राष्ट्रपति। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ध्यान दें, वैसे प्रतिभागी जिन्होंने दिसंबर माह में प्रतियोगिता में भाग लिया था, वे अपना स्क्रीनशॉट 97098-94194 पर भेजकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। रजिस्ट्रेशन के पश्चात आपको बुलाकर उपहार प्रदान किया जाएगा। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। वीरान पड़े स्कूल में अचानक आई चहलकदमी, स्कूल खुलते ही छात्रों के चेहरे पर गजब की दिखी मुस्कान। भागलपुर में तकरीबन 10 माह के लंबे अंतराल के बाद कक्षा 9वीं से 12वीं तक छात्रों के लिए विद्यालय खुल गया। वहीं इस दौरान सभी निजी और सार्वजनिक विद्यालयों को कोविड-19 के मद्देनजर जारी गाइडलाइंस का बखूबी पालन करना होगा। वहीं इसी कड़ी में जिले के निजी विद्यालय की अगर बात करें तो गाइडलाइंस का काफी हद तक पालन होते दिखा। सुबह करीब 8:30 बजे सेंट जोसेफ स्कूल में बच्चों का आना शुरू हो चुका था। मुख्य द्वार पर ही सभी आने वालों का थर्मल स्कैनिंग किया जा रहा था, इसके साथ ही सबों को सैनिटाइज किया गया। यही नहीं, इस दौरान बिना मास्क वाले को प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। इस संबंध में विद्यालय के प्रधानाचार्य फादर अमल राज ने बताया कि उनके यहाँ विद्यालय में संक्रमण से बचाव के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पहले तो ऐसे कि बच्चे जो भी आएंगे वो बच्चे अपने गार्जियन से परमिशन लेकर के ही आएंगे, और समाज में ऐसे कि कोविड-19 के प्रति जो अवेयरनेस है, गार्जियन भी डरे हुए हैं, बच्चे भी थोड़ी भयभीत हैं। बहुत सारे बच्चों का भी फोन आ रहा है, गार्जियन का भी फोन आ रहा है कि हम बच्चे को नहीं भेजना चाहते हैं। तो जो बच्चे को नहीं भेजेंगे तो कोई कंपलसरी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है कि आप बच्चे को भेजें ही भेजें, बट जो बच्चे आएंगे विद्यालयों में वो अपने हिस्से के पेरेंट्स से परमिशन लेकर के ही। तो क्या अभी ऑनलाइन पढ़ाई घर में भी रह के कर सकते हैं? प्राइवेट स्कूल के पास तो है व्यवस्था, अपने हिस्से की करवाते हैं, और कुछ एक स्कूलों ने जो 2 तारीख की बैठक हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि हम ऑनलाइन भी जारी रखेंगे, लेकिन सारे प्राइवेट स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में उतने रिच नहीं है, तो उन पर निर्भर करता है कि वो प्राइवेट है से कि स्कूल वाले वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास लेने में सक्षम है कि नहीं। सैनिटाइजर मशीन और सैनिटाइजर दोनों की परचेजिंग है से कि हो गई है, सैनिटाइज है से कि कल कई एक विद्यालयों ने किया है, और हमको लगता है कि वो सारे स्कूलों में सैनिटाइज है से कि हो चुकी है। स्कूल की जो ग्रांट है, स्कूल ग्रांट और छात्र कोष, उससे सैनिटाइजर और सैनिटाइज मशीन वगैरह परचेज करनी है। मास्क के क्या? मास्क के लिए जीविका दीदी के द्वारा बनाई गई मास्क जीविका कार्यालय के जीविका प्रबंधक के द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराई गई थी, और कल तक हम लोगों ने मास्क को विद्यालयों में उपलब्ध करा दिया है। प्रति छात्र 2 मास्क और जीविका दीदी के द्वारा ऐसे विभागीय स्तर से उपलब्ध कराई गई है, जो मैंने विद्यालयों को उपलब्ध करा दिया है। Yeah, we have to be very careful and then we are also following the guidelines of the government, that social distancing and then sanitizing and then wearing mask, all these things we are following and we are instructing also, and you can see in our school there are so many places we have put the instruction that to follow the social distancing, and then what are the guidelines the government has given, that we are following it, and we are asking the students only 50% to come. We are following odd even numbers. Yes, that means if the date is of even numbers, then the roll numbers of even numbers will come,
and then the deities of ward numbers, then ward number, roll numbers will come. So that way automatically 50% only will be collected. कितने दिनों के बाद से विद्यालय खुल रहा है, आप भी बच्चों से इतने दिनों के बाद मिल रहे हैं, तो कैसे? नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी ननेसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर, संपर्क सूत्र 9661904817, 7992499821। भागलपुर के मुंदी चक मोहल्ले में मानवता को शर्मसार करने देने वाली हुई घटना। भागलपुर के तिलका मांझी थाना क्षेत्र के मुंदी चक मोहल्ले में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना उस समय देखने को मिली जब एक नवजात का शव मुंदी चक मैदान के समीप लावारिस स्थिति में फेंका हुआ पाया गया। सुबह जब लोगों ने नवजात का शव देखा तो इलाके में सनसनी फैल गई और ऐसा करने वालों को कोसते नजर आए। लोग माँ की ममता को शर्मसार करने वाली इस घटना से काफी आहत दिखे और वैसी माँ और परिवार को लेकर तरह तरह की बातें करते दिखे। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची तिलका मांझी थाने पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। अगर नहीं करना चाहिए किसी को भी, क्या कहते हैं, इस तरह से कलंक है किसी भी माता के ऊपर की। क्या बच्चा हुआ? ये तो आदमी का ही बच्चा है, इसलिए इसको अगर नहीं पाल सकता था तो इसको अनाथ आश्रम में दान में दे देता, या कोई अगर ये जीवित रहता तो यहाँ पे यह बच्चा अभी रहता नहीं, इसका आगे का भविष्य और उजागर हो जाता। लेकिन किस्मत इस बच्चे का दोष है, जन्म लिया, इस जन्म के साथ ही मर गया। अब अगर ये जीवित रहता तो क्या कहते हैं, किसी दूसरे के यहाँ रह के कुछ बड़ा आदमी भी बन सकता था, लेकिन भगवान को जो मर्जी था वही हुआ। कब पता चला आपको? ये तो मुझे आज सुबह पता चला है, हम लोग को तो सुबह पता चला। एक बहुत बहुत दिन पहले इधर इस साइड भी एक कोई क्या कहते हैं आदमी का बच्चा फेंक दिया था, उस समय बोरा में बंद था, लेकिन हम लोग को बाद में पता चला। लेकिन आज अभी अभी सुबह पता चला कि यहाँ फेंका हुआ है। अब इसको क्या कहते हैं किसी तरह कहीं पे रखा दिया जाए ताकि कोई जानवर या कोई पक्षी वगैरह इसको कुछ हानि न पहुँचा सके। और क्या की कहल चाहिए इसमें माँ के? रक्षत नहीं बोलेगा, किचन बोलेगी, उसको क्या बोलेगी, एकदम खत्म आदमी है। कम से कम आदमी का अथी रहता तो देता ना, चलो भाई बच्चा है तो कम से कम अथी करना चाहिए, इस तरह से नहीं फेंकना चाहिए। मन था तो नहीं पेड़ रखना चाहिए, और क्या बहुत गलत कर दिया, गलत बहुत गलत किया है उस वहाँ का, तो जन्म अथी नहीं होना चाहिए। भागलपुर कटोरिया के विधायक की गाड़ी हुई दुर्घटनाग्रस्त। कटोरिया से भाजपा विधायक निक्की हेम्ब्रम की गाड़ी देर रात कल्याणपुर के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके बाद बुरी तरह से जख्मी विधायक को स्थानीय लोगों ने पुलिस की सहायता से इलाज के लिए भागलपुर के निजी नर्सिंग होम में भेजा, जहां चिकित्सकों ने विधायक के दाहिने पैर में फ्रैक्चर होने की बात बताई, साथ ही हाथ में भी भाजपा विधायक को काफी गंभीर चोट लगी है। घटना के बाबत विधायक निक्की हेम्ब्रम ने बताया कि वह अपने गाड़ी से पटना में कार्यक्रम में शामिल होने गार्ड और ड्राइवर के साथ लौट रहे थे, इसी दौरान कल्याणपुर के समीप सामने से तेज गति से आ रही ट्रक से बचने के दौरान उनकी गाड़ी पेड़ से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वहीं विधायक ने बेहतर इलाज के लिए पटना जाने की बात भी कही। वहीं बताते चलें कि दुर्घटना में विधायक के गार्ड और ड्राइवर को भी मामूली चोट लगी है। कैसे मैडम ये एक्सीडेंट हुआ? कल पटना में हम लोगों का चौराहे का एक मिलन समारोह होता है, उसी का कार्यक्रम में कल मॉर्निंग में गए और दोपहर तक पहुँचे, वो कार्यक्रम था और एक वनवासी वाला कार्यक्रम था, दोनों को अटेंड कर गए। कुछ और भी काम था, फिर लगा कि संडे के चलते काम हो नहीं पाएगा, चलो रात में निकल के फिर मॉर्निंग से बाकी सब कार्यक्रम अटेंड कर रहा था। इसी क्रम में बलियारपुर से क्रॉस किए तो कल्याणपुर में ही एक ट्रक वाला सामने से आ रहा था, वो जस्ट अगर वो नहीं कट करता शायद ट्रक वाला से क्या ट्रक लोडेड था पूरा, वो तो रात में नहीं पता चला, रात में नहीं वो तो ऐसे करके कट करके सीधे उसी समय निकल गए और ये जा करके पेड़ में डैश कर गया ड्राइवर। तो आपके साथ और कौन कौन थे? हम ही लोग थे, ड्राइवर बॉडीगार्ड। ड्राइवर ही सबको क्या स्थिति है? नहीं, ड्राइवर को तो एक खरोच तक नहीं आया, सिर्फ आप कोई हाँ वो बलून वो निकला ना तो ड्राइवर बॉडीगार्ड सेफ हो गया, बॉडीगार्ड को थोड़ा इंटरनल ये मस्कुलर पेन होता है चोट लगने का कारण, हमारा ही हाथ और पैर राइट साइड का जैकेट डेस्क बोर्ड में फंस गया। तो क्या कुछ ज़्यादा चोट लगा है? फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर है,
तो अभी पटना आप लोग जा रहे हैं? जी हाँ, पटना लेकर। ऐसे आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर निकी हेम्ब्रम है, विधायक कटोरिया। सुंदरम अहुना मटन बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट। अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नवगछिया तीन सूत्र के साथ नवगछिया में पुलिसिंग करेंगे नए एसपी। तीन सूत्र में अपराध नियंत्रण, बेहतर विधि व्यवस्था और आम लोगों से दोस्ताना व्यवहार। नवगछिया के एसपी सुशांत सिंह सरोज ने सोमवार को नवगछिया पुलिस मुख्यालय में अपने पदभार को संभाल लिया है। नवगछिया पहुंचते ही एसपी को पुलिसकर्मी ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया और इसके बाद एसपी ने तुरंत जिले के पुलिस पदाधिकारी के साथ बैठक कर ताजा हालात की जानकारी ली है। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एसपी सुशांत सिंह सरोज ने कहा कि वे नवगछिया में तीन सूत्र के आधार पर पुलिसिंग करेंगे और इसी आधार पर अपराध और अपराधियों पर नकेल कसेंगे। इसके पहले भागलपुर पदस्थापित था सीटीएसपी के पद पे, तो वहाँ से बहुत करीब से हर चीज़ मालूम रहता था, देखता भी था। और मेरा प्रयास होगा कि नवगछिया पुलिस टीम के साथ नवगछिया के निवासियों को एक बेहतर माहौल उपलब्ध कराएंगे अपराध नियंत्रण के द्वारा और विधि व्यवस्था नियंत्रण के द्वारा और पुलिस का पब्लिक के प्रति आम व्यवहार के द्वारा। ये तीन हमारे महत्वपूर्ण अस्त्र हैं, अपराध नियंत्रण, विधि व्यवस्था नियंत्रण और आम आदमी विरुद्ध आम आदमी प्रति पुलिस का व्यवहार कैसा है। इस तीनों के सहारे हम एक बेहतर माहौल देंगे नवगछिया निवासियों। भागलपुर सिटी एसपी रहते आपने सर, नवगछिया में भी कई बार मैंने देखा कि आप यहाँ आए, ऐसे में भागलपुर का समन्वय पुलिस जिला नवगछिया से कैसे बैठेगा सर अपराधियों के खिलाफ? देखिए, अपराधियों के खिलाफ नवगछिया क्यों, भागलपुर ही क्यों, पूरे बिहार पुलिस एक होती है और मिल के काम करते हैं। यदि इसमें भागलपुर पुलिस और नवगछिया दोनों मिल करके अपराधी कोई भी हो उसके हम लोग खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। देखिए, मेरा पदस्थापन ये पहला पदस्थापन है एज एसपी इंडिपेंडेंट चार्ज में, तो मैं नवगछिया निवासी, नवगछिया पुलिस जिला निवासी से मेरी सर्वप्रथम तो नववर्ष शुभकामना देना चाहूँगा। उनके पूरे परिवार के लिए नववर्ष का हार्दिक शुभकामना हो, उनके दिन जिंदगी में खुशियाँ आए, मंगल में जीवन, ये मेरी प्रार्थना भी अपने भगवान से। दूसरा बात, अभी शुभकामना के अलावा मैं अपील करना चाहूँगा यहाँ के आम आदमियों से, कोरोना को देखते हुए जो उन्होंने एहतियात लॉकडाउन पीरियड में या उसके बाद बरती है, मेरा उनसे अनुरोध होगा उसमें कहीं कोई ढिलाई अभी ना लें। जब तक कि पूरी दवाई सामने नहीं आ जाती है तो जिस पूर्व से करते आ रहे सावधानियाँ वो बढ़ते हैं, थोड़ी सी भी ढिलाई से परेशानी बढ़ जाएगी। तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग अवश्य करें। की बहुत बड़ी समस्या है, नवगछिया बाजार हो चाहे एनएच पे हो, बहुत बड़ी मुद्दा है। ये मीडिया के माध्यम से हम लोग भी अवगत होते रहते थे कि जाम की समस्या के बारे में। अभी तो नवगछिया और भागलपुर पुलिस मिल करके जो विक्रमशिला सेतु का जाम था उसे काफ़ी हद तक नियंत्रण में लिया है। और मैं अभी हमारे बैठे हुए डीपीओ साहब भी हैं और थाना प्रभारी भी, मैं उनसे चर्चा करूँगा, उसके बाद फिर मैं आम आदमी से भी मिलूँगा कि उनके पास और क्या विकल्प हैं कि ट्रैफिक जाम ना रहे। उनसे भी बात करूँगा, उनकी भी राय लेकर के फिर हम एक बेहतर कोशिश करेंगे कि जाम ना हो। गंगा से कुछ जमीन जो सर निकल रहा है उसको लेकर गोपालपुर और इस्माइलपुर में लगातार जो है महीनों से हत्या की घटनाएं सामने आ रही है। गंगा और कोसी दोनों, क्या करेंगे सर? गंगा और कोसी दोनों नदियाँ, देखिए ये बाढ़ के बाद समस्या अवश्य आती है, बाढ़ के बाद पूरा मेर मिट जाता है, हट जाता है, तो सीमांकन को लेकर प्रॉब्लम आता है।
इसमें मैं दो तरह से काम करूंगा। ये जो सिविल ऑफिसर्स सर्किल ऑफिसर्स हों या डी सी एल आर हों चाहे एस डी ओ साहब हों उनके साथ ही बैठक करके इसका हल निकालूंगा। और दूसरी बात जो अपराधी इसका फायदा उठाते हैं, इसकी आड़ में कोई अपराध करते हैं, हत्या करते हैं, बख्शे नहीं जाएंगे उनको, हम अंतिम तक हर कार्रवाई करेंगे। FIR तो हो गई होगा, ऐसी जो अपराधी है तो SPD ट्रायल चला करके सजा दिला के ही दम लूँगा ताकि फिर कोई अपराधी का मनोबल ना बढ़े। नवगछिया SP ने बाजार में किया भ्रमण, जाम की स्थिति का लिया जायजा, बोले सख्ती से लागू होगा नो एंट्री का नियम। नवगछिया के SP सुशांत कुमार सरोज ने शुक्रवार को देर शाम नवगछिया शहर के बाजार का भ्रमण किया और जाम की स्थिति का जायजा लिया। अब तक की व्यवस्था से अवगत होने के बाद नवगछिया SP ने कहा कि शहर में 1 जनवरी से नो एंट्री का नया नियम लागू किया गया है जो कारगर लग रहा है। ऐसी स्थिति में पुलिस द्वारा तीनों प्रवेश स्थानों नवगछिया स्टेशन, नवगछिया गौशाला और मक्का तकिया पर सख्त व्यवस्था की जाएगी। अनाधिकृत रूप से एक भी वाहन को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाजार में लगने वाले जाम की समस्या का निदान आम लोगों के सहयोग के बिना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में जाम ना लगे इसके लिए आम लोगों के साथ मिलकर भी काम करेंगे। इस क्रम में उनके साथ नवगछिया के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार, नवगछिया के थानाध्यक्ष शैलेश कुमार समेत अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। नजर आ रहे हैं सर नहीं देखिए, कुछ लोग ऑफिस में आए थे, उन्होंने कहा कि अगर कि एक नवगछिया में ट्रैफिक समस्या रहती है तो मेरा ये मानना है कि ये पब्लिक की समस्या है तो हम पब्लिक के सहयोग से इसका हल करेंगे। और हमारे ज्वाइनिंग के पहले ये 3 जगह पर ये ड्रॉप गेट लगा ड्रॉप किया गया था स्टॉपेज, इसके आगे कोई भी गाड़ियां नहीं जाएगी। और जो देखने आए थे कौन कौन जगह है सर? एक तो जहाँ खड़े हैं जी सर, उसका मक्खा तकिया हो गया और तीसरा हो गया गौशाला के पास। तो लोग एक माइकिंग करवा रहे हैं, आपके माध्यम से जानकारी देंगे उन लोगों को कि तीनों जहाँ स्टॉपेज लगा हुआ है उसके आगे कोई भी कमर्शियल गाड़ी ना जाए। अभी आपने देखा कि रोड पे 2.5 फीट दोनों साइड से लोग कैप्चर कर लिए जी सर, कई दुकान है, बड़ा दुकान है, दुकान के आगे दुकान लग गया। स्वाभाविक है ट्रैफिक प्रॉब्लम होगा, तो ट्रैफिक प्रॉब्लम ना हो इसमें आम आदमी का सहयोग बहुत जरूरी है। और वो ये इंश्योर करेंगे कल से कोई भी कमर्शियल वाहन सुबह के 9 बजे से रात के 8 तक नहीं जाएगा। यहाँ पे ट्रॉली लगा हुआ रहेगा, यहाँ पे पुलिस लगी रहेगी और वो बोर्ड लगवा रहे हैं और लोग मैकिंग करवा रहे हैं। और आपके माध्यम से ये अपील भी है और जो लोग सुन भी रहे हैं, जब तक आप लोग सहयोग नहीं करेंगे ट्रैफिक कंट्रोल संभव नहीं है। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया, नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। नवगछिया अनियंत्रित हाईवा के चपेट में आने से बुलेट पर सवार 2 लोग घायल। नवगछिया के रंगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर मुली चौक के समीप एक अनियंत्रित हाईवा के चपेट में आने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों का प्राथमिक उपचार नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में कराया गया। नवगछिया के अनुमंडलीय अस्पताल के चिकित्सकों ने दोनों घायल लोगों को बेहतर इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भागलपुर रेफर कर दिया। घायल रंगरा थाना क्षेत्र के भवानीपुर निवासी 45 वर्षीय मंटू यादव और 48 वर्षीय रविंद्र कुमार शर्मा है। जानकारी मिली है कि दोनों बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार होकर कुर्सेला की तरफ जा रहे थे, इसी क्रम में विपरीत दिशा से आ रही एक अनियंत्रित हाईवा के चपेट में आ गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों की सहायता से दोनों घायलों को नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया। रंगरा पुलिस ने हाईवा को जब्त कर लिया है, जबकि मौके से हाईवा चालक भागने में सफल रहा। मामले की प्राथमिकी रंगरा थाने में दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। नवगछिया के अर्जुन कॉलेज ऑफ एजुकेशन में नए सत्र डिप्लोमा के लिए नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ। कोविड-19 की वजह से BCEB द्वारा प्रस्तावित DLED कैट रद्द होने के पश्चात रंगरा स्थित अर्जुन कॉलेज ऑफ एजुकेशन में नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जानकारी देते हुए संस्थान के अध्यक्ष नीलम देवी ने एक प्रेस नोट देकर बताया कि महाविद्यालय प्रबंधन ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी महाविद्यालय में 13 जनवरी तक आवेदन दे सकते हैं। मेधासूति का प्रकाशन महाविद्यालय के सूचना पट पर 15 जनवरी को किया जाएगा। इसके बाद प्रथम काउंसिलिंग एवं नामांकन 17 जनवरी से शुरू हो जाएगा। इच्छुक व्यक्ति की अर्हता न्यूनतम इंटर या समकक्ष में 50% अंक होना अनिवार्य है। इसके अलावा SC ST PH के लिए
5% छूट देने का प्रावधान किया गया है। वहीं अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र 17 वर्ष होना आवश्यक है। संस्थान की अध्यक्ष नीलम देवी ने बताया कि उपरोक्त प्रक्रिया के बाद द्वितीय तृतीय मेघा सूची एवं स्पॉट राउंड का निर्णय महाविद्यालय में उपलब्ध रिक्त सीटों के अनुसार लिया जाएगा और इसकी सूचना महाविद्यालय के सूचना पट एवं आवेदकों को मोबाइल दूरभाष पर दी जाएगी। गुहान 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 नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान गौशाला रोड पोखर के सामने नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। ग्रैंड ओपनिंग 1 जनवरी 2021 से आपकी सेवा में। आइए, आपका स्वागत है। नवगछिया के पकड़ा से 862 बोतल विदेशी शराब बरामद। नवगछिया पुलिस ने सोमवार सुबह कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र के पकड़ा गांव समीप ब्लू रंग की टाटा मैजिक से 862 लीटर विदेशी शराब को बरामद किया है। थाना अध्यक्ष शैलेश कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के पकड़ा गांव में शराब की खेप की डिलीवरी होनी है। गुप्त सूचना पर पुलिस ने ससमय पहुंचकर टाटा मैजिक को जब्त कर लिया। हालांकि शराब तस्कर भागने में कामयाब रहा। नवगछिया पुलिस की कार्रवाई में रॉयल स्टैग 375 ml के 240 बोतल, 180 ml के 284 बोतल जबकि इंपीरियल ब्लू 375 ml के 338 बोतल को जब्त किया गया है। विदितों की शराब लदी टाटा मैजिक में भुजिया के बीच शराब की खेप की डिलीवरी होनी थी। नवगछिया पुलिस द्वारा शराब तस्कर के बारे में जानकारी ली जा रही है। नवगछिया 9 महीने के लंबे अंतराल के बाद उच्च विद्यालय में कोरोना गाइडलाइन के अनुसार पठन पाठन शुरू। वैश्विक महामारी कोरोना के कहर के कारण 9 महीने बाद उच्च विद्यालय में कोरोना गाइडलाइन के अनुसार पठन पाठन सोमवार से शुरू हो गया। प्रोजेक्ट कन्या इंटर विद्यालय सैदपुर के प्रधानाध्यापक रमेश चंद्र यादव ने बताया कि पूर्व में ही विद्यालय को सैनिटाइज करवाया गया था। विद्यालय की छात्राओं के बीच दो दो मास्क का वितरण किया गया है तथा सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार छात्राओं के बैठने की व्यवस्था की गई है। वहीं कोविड 19 को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए नवगछिया के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालय में कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक के छात्रों की कक्षा सोमवार से आरंभ हो गई। प्रथम दिन विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति काफी कम रही। नवगछिया इंटर स्तरीय विद्यालय में सिर्फ 9वीं कक्षा के ही छात्र छात्राएं विद्यालय में उपस्थित हुए जबकि 266 कुल छात्र अनुपस्थित थे। 10वीं 11वीं एवं 12वीं में एक भी छात्र उपस्थित नहीं थे। वहीं नवगछिया के बाल भारती विद्यालय में वर्ग 9वां एवं 10वां के छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय खोला गया। विद्यालय के प्राचार्य नवनीत सिंह एवं प्रशासक डीपी सिंह ने बताया कि वर्ग का परिचालन के पूर्व वर्ग को सैनिटाइज किया गया। बच्चों को वर्ग में दाखिल होने के पहले उसके हाथों को भी सैनिटाइज किया गया एवं प्रत्येक वर्ग में 50% ही छात्र छात्राएं एक दिन में विद्यालय आ सकते हैं। अब आपके शहर नवगछिया में कान्हा स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ स्वादिष्ट मिठाई जैसे काजू पान, काजू फ्रूट, काजू कतली, मोती पाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजीज मिठाइयाँ उपलब्ध है। शुगर फ्री मिठाई के लिए संपर्क जरूर करें। साथ ही पनीर डोसा, पनीर पिज्जा के लिए जरूर पधारें। कान्हा स्वीट्स, प्रोफेसर कॉलोनी, नवगछिया। संपर्क करें 9060127642 9308708313। दुलभजा के कदवा में मवेशी चोर के आतंक से पशुपालक किसान परेशान। दुलभजा के कदवा में इन दिनों चोरों ने इस तरह तांडव मचा कर रखा है कि उसके आतंक से हर कोई परेशान है। बीते रविवार को चोरों ने कदवा थाना क्षेत्र अंतर्गत बिंटोली कदवा निवासी गुरुदेव शर्मा के पुत्र तिलो शर्मा के गाय की चोरी कर ली। गाय चोरी होने की बात सुनते ही पशुपालक किसान की पत्नी रो रो कर अपना बुरा हाल कर ली। चोरों ने इस घटना को अंजाम रात 11 बजे के बाद दिया है। वहीं बताते चलें कि बीते साल चोरों ने बिंटोली कदवा के ही शिव चरण रजक व अच्छे लाल रजक के भी गाय की चोरी कर ली थी जिसका आज तक भी पता नहीं चल पाया है। ग्रामीणों का कहना है कि इन सभी घटनाओं में जंगली टोला बिंटोली व खोपरिया के ही कुछ लोगों का हाथ होता है जो इस घटना को आसानी से अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट। शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। सुन
नरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट, अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया, स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी ननेसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल, नवगछिया, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 7992499821। अब आपके शहर नवगछिया में कान्हा स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ स्वादिष्ट मिठाई जैसे काजू पान, काजू फ्रूट, काजू कतली, मोती पाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजीज मिठाइयाँ उपलब्ध है। शुगर फ्री मिठाई के लिए संपर्क जरूर करें। साथ ही पनीर डोसा, पनीर पिज्जा के लिए जरूर पधारें। कान्हा स्वीट्स, प्रोफेसर कॉलोनी, नवगछिया। संपर्क करें 9060127642, 9308708313। गुहान गुहान गुहान, नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान, गौशाला रोड पोखर के सामने, नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। ग्रैंड ओपनिंग 1 जनवरी 2021 से आपकी सेवा में। आइए, आपका स्वागत है। अब एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371178773250527। खुल गया आवासीय स्कूल ऑफ एक्सलेंस, फुलडोबी गेराबाड़ी, कटिहार, नियर वासंतिक नवरात्र मंदिर, राजपूत मंदिर। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित 25 दिसंबर से नामांकन प्रारंभ है। कक्षा प्री नर्सरी से 8वीं तक रहने खाने पढ़ने सहित कंप्यूटर एवं अंग्रेजी स्पोकन की विशेष व्यवस्था। संपर्क करें रणवीर कुमार झा 8051550121, AK झा 9472833513।